हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अंशु के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं पहुंच चुकी हूं अजाया बीच रिजॉर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा वेलकम हो रहा है एक प्यारे से वेलकम ड्रिंक के साथ। और ये बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट है, मतलब बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ओला या उबर नहीं चलता है। तो आपको स्टेशन या एयरपोर्ट से आप कैब से आ सकते हो, वो भी गोवा माइल्स कैब से, जो ऑनलाइन आप उसे बुक कर सकते हो। ये रिजॉर्ट पूरा 10 एकड़ में बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको पूरा कवर करके दिखा पाऊँ। सुबह सुबह अपनी विंडो को खोलकर बाहर का नज़ारा देखने का जो मज़ा है ना, वो भी किसी बीच एरिया पे, वो तो आप खुद यहाँ आके फील कर सकते हो। यहाँ पे ओपन स्विमिंग पूल के साथ साथ आपको रूम से अटैच स्विमिंग पूल भी मिल जाएंगे। ऑनलाइन जब आप बुकिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 टाइप्स के रूम अवेलेबल हैं, जो कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं। रिजॉर्ट के अंदर आपके एंटरटेनमेंट के लिए पूरा ध्यान रखा गया है। साउथ गोवा आने का बेस्ट टाइम जो है वो है नवंबर से लेके मार्च तक। तो आप कोशिश करिए आप उसी टाइम पे ही आइए, बट आप जल्दी अगर आ गए तो आपको वो व्यू या फिर वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो आपको नवंबर से लेके मार्च में मिलेगा। तो हम अपना डिनर फिनिश करके निकल चुके हैं नाइट व्यू देखने के लिए। तो आप यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं, एनिवर्सरी बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। रिजॉर्ट बुक करते वक्त आप उसमें अपना सिर्फ ब्रेकफास्ट ही इंक्लूड करिए, क्योंकि अगर आप लंच या डिनर इंक्लूड करते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो आप बीच एरिया पे जो ओपन रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पे अपना डिनर और लंच कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट करके बताइए, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों।